गुड मॉर्निंग किड्स, वी आर बैक अगेन। मैम ने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि जो एनिमल बेबी बॉर्न करते हैं उनके बारे में बताया था। आज मैम आपको बताएंगी वो इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल जो एग ले करते हैं। हु ले एग? तो चलो शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी। एग्स, यस, आपको पता है बहुत सारे इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, बीज, हनी बीज, ग्रास होपर, बग्स, दे ऑल ले एग्स। इनके अलावा बहुत सारी बर्ड्स भी हैं हु ले एग्स, लाइक स्पैरो, पैरेट, क्रो, हैन, पीहन, टर्की बर्ड, पिजन एंड पेंगुइन ऑल्सो ले एग्स। एंड यू नो बहुत सारे वाटर एनिमल्स लाइक फिशेस, frogs, turtles, seals and crocodile also lay egg. Though most of the water animals like fishes lay egg in water only, but other water animals like frog, crocodile, turtle, pigeon, they all lay eggs like other birds and insects at the very safe place. You know, ye apne egg ke upar kyun baithte hain? बिकॉज इनके एग जो हैं बॉडी हीट से मैच्योर हो जाते हैं, इसीलिए ये उनके ऊपर बैठते हैं। एंड ये अपने एग्स के आसपास क्यों घूमते हैं आपको पता है? क्योंकि अगर इनके एग्स को ये छोड़ के चले जाएंगे तो दूसरे बर्ड्स और एनिमल इनके एग्स को खा जाएंगे ना, और इन एग्स में से क्यूट से बेबीज इनके बाहर आएंगे। सो इसीलिए ये उनके एग्स की बहुत केयर करते हैं, उनके आसपास ही घूमते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई और एनिमल या बर्ड उनके एग्स को ना खा जाए। एंड इनकी बॉडी हीट से जब ये उन एग्स के ऊपर बैठते हैं तो बॉडी हीट से जब ये एग्स मैच्योर हो जाते हैं, प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं, तब उन एग्स में से आपको पता है क्या आता है? इनमें से छोटे से क्यूट से बेबी बर्ड्स बाहर आते हैं। एंड जब ये बेबी बर्ड्स बाहर आते हैं उसके बाद ये बहुत क्यूट लगते हैं। इनकी मम्मा उन्हें वैसे ही खाना खिलाती है जैसे आपकी मम्मा आपको खाना खिलाती है। एंड दिस इज अ हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल। आज हम ईबीएस की बुक में पेज नंबर 7 पे क्यूट एनिमल्स एक्टिविटी करेंगे। वी विल कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट ले एग्स। अभी मैम ने वीडियो में आपको समझाया है ना कि कौन कौन से एनिमल हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं जो हु ले एग्स। सो हम उनको कलर नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन एनिमल्स को कलर करेंगे हु बॉर्न बेबी हु डू नॉट ले एग्स। एलिफेंट ऑल्सो बॉर्न बेबी, एलिफेंट ऑल्सो डू नॉट ले एग्स। सो हम एलिफेंट को कलर करेंगे, इसीलिए मैम ने एलिफेंट को कलर कर दिया है। नेक्स्ट है, मैम ने कलर किया है कैट में। कैट ऑल्सो डू नॉट ले एग बिकॉज कैट बॉर्न बेबी। सो मैम ने कैट में भी कलर कर दिया है। अभी मैम ने लॉयन में भी कलर किया है बिकॉज लॉयन ऑल्सो डू नॉट ले एग। सो मैम ने लॉयन में भी कलर कर दिया है। हमने किस में कलर नहीं किया वो हम देखते हैं। अभी हमने फ्रॉग में कलर नहीं किया क्योंकि फ्रॉग ले एग। सो हम फ्रॉग में कलर नहीं करेंगे। दिस इज अ बर्ड, सो बर्ड ऑल्सो ले एग। सो हम बर्ड में भी कलर नहीं करेंगे। स्नेक, स्नेक ऑल्सो ले एग, आप मैम ने वीडियो में दिखाया था ना। सो हम स्नेक में भी कलर नहीं करेंगे। आज हमने एक्टिविटी किया है अबाउट द एनिमल, बर्ड एंड इंसेक्ट्स हु ले एग्स एंड फ्रॉग ऑल्सो ले एग्स। सो मैम आज आपको इजी पेपर क्राफ्ट एक्टिविटी कराएंगी। सो उसके लिए हमने एक बड़ा सर्कल लिया है ग्रीन कलर का, एक इसका हाफ सेमी सर्कल रेड कलर का, बिकॉज ग्रीन कलर से हम इसकी बाहर की बॉडी बनाएंगे। फ्रॉग ग्रीन कलर का होता है, उसकी टंग बनाएंगे रेड कलर की। सो ये हमने एक फुल सर्कल, एक सेमी सर्कल ग्रीन एंड रेड कलर के लिए है। टू ओवल शेप्ड आईज मैम ने पहले ही बना के रखी है।
सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी. टू स्टार्ट द एक्टिविटी हम पहले इसको यहां पर ऐसे स्टिक करेंगे थोड़ा सा ऊपर करके फेविकोल लगा के. ये फ्रॉक की टांग हो गई. अभी यहां पर भी थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे सो दैट ये ऊपर से स्टिक हो जाए. एंड हम इसको ऊपर से फोल्ड कर देंगे. ये हमारा फ्रॉक का माउथ तैयार हो गया. अभी हम इसकी आईज भी लगाएंगे जो हमने पहले बना के रखी है ओवल शेप में. वन आई, एंड दिस इज अनदर आई. है ना, इट्स अ वेरी सिंपल क्राफ्ट. सो ये हमारा इजी पेपर क्राफ्ट फ्रॉग एक्टिविटी रेडी है. सो मजा आया ना आज की एक्टिविटी करके अबाउट द एनिमल हु ले एग्स. सो जल्दी से ईवीएस में कलरिंग एक्टिविटी एंड ईवीएस नोटबुक में ये फ्रॉग क्राफ्ट स्टिक करके इसकी पिक क्लिक करके जल्दी से मैम को फॉरवर्ड करें. बाय बाय.